We are going to start with the next chapter now, that is chemical bonding and molecular structure. So this is your fourth chapter now. Chemical bonding. You all have heard this term from 9th or 10th standard. ये familiar term है आपके लिए. Bond क्या है? What is a bond actually? Bond is an attractive force. ठीक है? दो friends हैं, दो friends के बीच में एक attraction हो रही है. Okay? Attractive force है particles के बीच में, molecules के बीच में, atoms के बीच force exist करती है, जिसमें वो एक दूसरे को attract करते हैं. Okay? And that attractive force between the two objects, between the two atoms, between the two molecules, that help them to be chemical species. This is known as a chemical bond. Okay. So what chemical bond is actually? This is an attractive force. That holds the various constituents. Constituent means particles हो गए, atoms हो गए, ions हो गए, right? So whatever we can write. So attractive force that holds the various constituents in a chemical structure. So this we call as a chemical bond, right? तो दो चीजों को, दो एटम्स को एक साथ जोड़ के रखता है जो चीज, ठीक है, एक कंपाउंड में, उसको हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड. नाउ देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड. ओके, दो उसमें से आप पढ़ चुके हो. फर्स्ट इज आयनिक बॉन्ड, सेकेंड इज कोवलेंट बॉन्ड. ओके, ये दोनों आपने पढ़े हुए हैं, आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड. द थर्ड वन इज स्टडी इन दिस चैप्टर ऑल्सो. ठीक है, तो इन डिटेल में हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटेड बॉन्ड के बारे में स्टडी. सबसे पहले आते हैं आयनिक बॉन्ड पे. आयनिक बॉन्ड, इफ यू हैव गो थ्रू द 10th सिलेबस, राइट, तो आपने 10th में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के चैप्टर में आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन किए हैं. ठीक है, आयनिक बॉन्ड में हम एक कैटायन लेते हैं और एक एनायन लेते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वॉन्ट टू फॉर्म NaCl, ओके, NaCl में क्या होता है, जो सोडियम है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है. ओके, एंड जो फ्लोरीन है वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है, गेन करता है. तो ये जो इलेक्ट्रॉन है सोडियम का, इट विल मूव टू द फ्लोरीन. ओके, तो क्या बन जाएगा, इट विल गिव एन ए पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. Cl जो है सोडियम का ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है वो एक्वायर करता है. ठीक है, तो क्या होती है, ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं फ्रॉम वन एटम टू द अनदर एटम. ओके, सो दिस टाइप ऑफ बॉन्ड दैट इज फॉर्मड फ्रॉम द ट्रांसफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वन एटम टू द अनदर, दैट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड. ठीक है, ये आपने पढ़े हुए हैं. नेक्स्ट इज कोवलेंट बॉन्ड. कोवलेंट बॉन्ड भी आप पढ़ के आए हो इन डिटेल इन द कार्बन चैप्टर. पढ़ा हुआ ना आपने कार्बन के चैप्टर. Covalent bond they are formed by the mutual sharing of electron. Sharing हो रही है दो atoms के बीच में. ठीक है, जैसे for example I am having two hydrogen atoms. दोनों hydrogen के पास एक एक electron है. तो वो कहते हैं कि एक bond बनाने के लिए हमें दो electrons तो चाहिए, right? For the formation of one bond they need at least two electrons. Okay? तो वो क्या करते हैं, कहते हैं ठीक
ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन मैं देता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन तुम शेयर करो, दे विल बी फॉर्मिंग अ बॉन्ड, ओके, एंड दैट बॉन्ड इज अ कोवलेंट बॉन्ड. सो व्हाट विल हैपन, ड्यू टू देयर म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, अ सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन द हाइड्रोजन एंड द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, राइट, ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. दोनों मिलके शेयर करते हैं. In a similar way, if we talk about the oxygen, oxygen का oxygen के पास कितने electrons हैं? 6 electrons हैं in its valence shell. ठीक है? तो हमने यहाँ पर एक चीज हमेशा याद रखनी है. Whenever we are going to do electronic configuration, ठीक है? हम bonds बनाते हैं. Do remember the octet rule. ठीक है? कि सबको क्या चाहिए? They all want stability. They all want to complete their octet having 8 electrons in their valence shell, right? Okay? So this is the main thing for the chemical combination. क्यों चीजें combine करनी? क्या जरूरत है? Oxygen को oxygen के साथ react करने की, oxygen को hydrogen के साथ react करने की. What is the need of this? Actually, they all want stability. ठीक है? सभी stable होना चाहते हैं, noble gas configurations acquire करना चाहते हैं. To complete their octet, to have 8 electrons in their valence shell. So this is the reason. So oxygen क्या कर रहा है? कहता है ठीक है पहले मैं 1 electron share करता हूँ तुम्हारे साथ. So when it is going to share 1 electron, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7. ठीक है? इसके 7 electrons. So what the oxygen atom will do? It will share the other electron. तो sharing में जितने electron इसके हैं दोनों इलेक्ट्रॉन इसके भी होंगे. So double bond is formed between the two oxygen atoms, and the rest electrons that are left, ये जो rest electrons रह जाते हैं, हम इनको unshared electron कहते हैं. Unshared electron और lone pair of electrons. Pair का मतलब दो. ठीक है? Unshared electron सिंपली बात कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं हुए हैं बॉन्डिंग में, जो फ्री हैं, दैट आर नोन एज अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन. लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम पेयर में बात करेंगे, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लोन पेयर में हैं. इफ इट इज हैविंग टू अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट विल बी वन लोन पेयर. ठीक है? तो इसमें कितने लोन पेयर हैं? 2 लोन पेयर हैं एंड 4 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन. ठीक है? इसमें 4 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. अगर मैं इनको पेयर कर दूं तो ये 1 पेयर है और ये 2 पेयर है, तो नो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. ओके, सो दिस इज अबाउट द कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन. कमिंग टू द डेटेड बॉन्ड, अब मैं एग्जांपल एक आपको देती हूँ कोवलेंट बॉन्ड की. आपने आइसक्रीम, यू हैव टू बाय एन आइसक्रीम. ठीक है? अब दिया है और दृष्टि है, ये दोनों ने आइसक्रीम खानी है. दिया दृष्टि कह रहे हैं ठीक है, दिया आई एम हैविंग 50 रुपीज, दृष्टि कह रही आई एम हैविंग 50 रुपीज. ओके, सो लेट्स बाय द आइसक्रीम, राइट? तो दोनों ने अपने अपने दिए, राइट? दोनों ने अपने अपने शेयरिंग किए, जो कॉन्ट्रीब्यूशन की अमाउंट थी वो उन्होंने दी. ओके, एंड ड्यू टू दिस दे आर एक्चुअली व्हाट दे आर डूइंग, दे आर बाइंग द आइसक्रीम. यानी कि एक तरह से बॉन्ड जो है वो उनके बीच में शेयर हो चुका है. अब केमिकल बॉन्ड जो है वो बन चुका है, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो गया. ओके, बट व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ कोऑर्डिनेट और डेटेड बॉन्ड? ओके, अब दिया के पास, दिया इज हैविंग नो मनी नाउ. ठीक है? बट दिया कह रही है कि मैंने तो आइसक्रीम खानी है दृष्टि, सो व्हाट वी विल डू नाउ? ओके दृष्टि, सो व्हाट यू विल डू? दृष्टि कहेगी ठीक है दिया, हम दोनों आइसक्रीम ले लेते हैं. ओके, राइट? सो व्हाट दृष्टि विल डू? शी विल कॉन्ट्रीब्यूट फॉर बोथ ऑफ देम. ठीक है? दृष्टि जो है वो दोनों के लिए अब क्या करेगी, पैसे कॉन्ट्रीब्यूट करेगी, पैसे देगी, एंड दे बोथ दे विल बी हैविंग एन आइसक्रीम. ओके, सो इन दिस वे व्हाट वी आर सेइंग कि जो
इलेक्ट्रॉन्स है वो एक ने दिए हैं. ओके, इलेक्ट्रॉन्स दे आर बीइंग गिवन बाय द वन स्पीशीज बट शेयरिंग इज बिटवीन बोथ. ठीक है, अगर मैं ए बी की बात करूं यहाँ पे, तो एक बॉन्ड बनाने के लिए जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ए दे रहा है. ठीक है, वैसे दोनों के लिए दृष्टि दे रही है, बट द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन बोथ ऑफ देम, राइट. तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वो फॉर्म्ड है. दिस इज नोन एज डेकेट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ओके, द कॉन्ट्रीब्यूशन इट विल बी फ्रॉम द वन एटम बट शेयरिंग विल बी इन बोथ द एटम्स. ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो एक जना कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, एक एटम कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, बट जो उनकी शेयरिंग होगी वो दोनों ही करेंगे. ओके, जो उनकी शेयरिंग होगी वो दोनों ही करेंगे, राइट. सो दिस इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेकेट बॉन्ड. इसके साथ साथ एक और बॉन्ड पर बात करेंगे, मेटालिक बॉन्ड दैट विल बी एग्जिस्टिंग इन द मेटल्स. ठीक है, आयनिक बॉन्ड में ही, आयनिक बॉन्ड की तरह ही मेटालिक बॉन्ड होता है. मेटालिक बॉन्ड में ये टॉप ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ओके, एंड द मेटल्स. हम मेटल्स की बात करते हैं, ठीक है, जिनको हम नॉर्मली थर्मल्स भी कहते हैं. तो इन दोनों के बीच में कर्नल्स इज एक्चुअली पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, मेटल पॉजिटिवली चार्ज होते हैं ना. ठीक है, तो मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और जो मेटल के बीच में फोर्स है दैट वी नोन एज मेटालिक. ओके, तो ये दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी मेटल के कर्नल्स के बीच में और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, दैट इज द मेटालिक. इसके बाद और भी यू कैन से सेकेंडरी फोर्सेस होती हैं, जैसे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है, लंदन फोर्सेस है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. तो ये हम नेक्स्ट चैप्टर्स में स्टडी करेंगे इन द स्टेट्स ऑफ बॉन्ड. ओके, बट इन दिस वेरी पर्टिकुलर चैप्टर वी विल बी स्टडीइंग अबाउट आयनिक कोवलेंट एंड डेटिव बॉन्ड, राइट. अच्छा, चैप्टर बहुत अच्छा है, राइट. इसमें आप स्ट्रक्चर्स पढ़ोगे, ज्योमेट्री पढ़ोगे, शेप्स के बारे में पढ़ोगे, यू विल फाइंड दिस चैप्टर इंटरेस्टिंग. सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट नाउ, फैक्टर्स affecting ionic bond. अब एक ionic bond बनाने के लिए कौन कौन से factors जो हैं उसको affect करते हैं. अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो एक ionic bond में एक anion है और एक anion. cation electron lose करना है, anion electron gain करना है. तो that means इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कैसी है और इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी है. ओके, सो दीज टू फैक्टर्स दे विल बी अफेक्टिंग पॉजिटिव. कि सोडियम आयन जो है, राइट, सोडियम कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, राइट, टू फॉर्म द सोडियम कैटायन. तो जितनी कम आयनाइजेशन एनर्जी होगी और जितनी जल्दी सोडियम ने लूज किया है उतनी ही जल्दी जो दूसरा वाला आयन है वो गेन करने को भी तो तैयार होना चाहिए, राइट. सो the second factor is electron gain enthalpy. electron gain enthalpy jitni zyada negative hogi utne hi jaldi jo hai wo ionic bond form hoga. aur negative kiski sabse zyada hoti hai humne padha hai group 17 wale chlorine chlorine bromine, they need only one electron to complete their orbit. okay, so they are having maximum negative electron gain enthalpy. clear. ठीक है बेटा, तो ये दोनों फैक्टर सबसे पहले इन्फ्लुएंस करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. नाउ द थर्ड फैक्टर दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब मैं आपको NaCl NaCl लिख रही हूँ, आप सोच रहे होंगे कि ये मॉलिक्यूल जो है ये तो ऐसे सिंगल एग्जिस्ट कर रहा है, सिर्फ NaCl है. बट एक्चुअली दिस इज नॉट द केस. जो NaCl आप एक सिंगल समझ के बैठे हो, डेट इज नॉट अ सिंगल स्पीशीज. शुगर के क्रिस्टल देखे हैं आपने,
Have you seen sugar in the crystal form? That is the crystalline structure of sugar. Sugar का crystalline structure है जो आपके ये ionic bonds बनाते हैं. Ionic compounds जो हैं वो हमेशा crystalline solids की तरह behave. They behave like crystalline solids. Okay? जहां पर इनका जो स्ट्रक्चर है that can be shown in the three dimensional way. ये as a single molecule exist नहीं करते हैं but ये जो एक you can say crystal nature में form में exist करते हैं. जैसे let me show you one structure. जो इसका स्ट्रक्चर है ये कुछ ऐसा है, ऐसा ही स्ट्रक्चर जो है वो ऊपर नीचे साइड पे एग्जिस्ट करता है. ओके, जिसके कॉर्नर्स पे सोडियम और क्लोरीन एटम्स जो है वो ऑक्यूपाइड होते हैं. ओके, ऐसे ही पूरा स्ट्रक्चर है, ऐसे पूरा लैटिस है. ये मैंने एक लैटिस बनाया है, यही लैटिस यहाँ पर होगा, यही लैटिस इसके ऊपर होगा, यही लैटिस इसके साथ, यही लैटिस इसके नीचे. ठीक है, तो यू कैन इमेजिन अ क्रिस्टल नेचर ऑफ NaCl स्ट्रक्चर. ठीक है, ये मैंने जस्ट उसका एक पार्ट बनाया. तो ये स्ट्रक्चर ऐसे एग्जिस्ट करती है, लैटिस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, क्रिस्टलाइन लैटिस. ओके, वन थिंग मोर, जितनी जल्दी ये लैटिस बनता है उतनी ही जल्दी एक एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज कॉल्ड एज लैटिस एनर्जी. जैसे आप एक्सचेंज एनर्जी पढ़ के आए हो ना अभी तक, यू हैव स्टार्टेड अबाउट द एक्सचेंज एनर्जी, कि जितनी ज्यादा वो पोजिशन एक्सचेंज कर सकता है, राइट, जितनी ज्यादा ये पोजिशन एक्सचेंज कर सकता है उतनी जल्दी उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, दैट मार्क्स द स्टेबिलिटी. सो इन द सेम वे यहाँ पर भी हम क्या कहते हैं कि जो आयनिक बॉन्ड्स हैं जिनमें वी आर हैविंग कैटायंस एंड एनायंस, दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, लैटिस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. ये लैटिस को बनाना है हमने. ठीक है, ये लैटिस फॉर्म होता है एक्चुअली, जितनी जल्दी ये लैटिस फॉर्म होगा उतनी ही ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, एंड दैट एनर्जी वी कॉल्ड एज लैटिस एनर्जी. ओके, so how we are going to define the lattice energy? It is the energy released when one mole of crystalline solid is formed. Okay, energy released when one mole of crystalline solid is formed by combination of ions. ठीक है, ions जो है जब वो combine करेंगे तो lattice energy जो है वो release होगी, and जितनी ज्यादा release होगी उतना ज्यादा आपका जो molecule है वो stable होगा, उतना ही ज्यादा आपका जो crystalline structure है वो stable होगा. ठीक है, this is the third factor that is affecting the ionic compounds. अब बात ये आती है कि क्रिस्टल लैटिस एनर्जी जो है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है. अब मैं तो बोली जा रही हूँ कि जितनी जल्दी फॉर्म होगा जितनी जल्दी फॉर्म होगा, बट द फैक्टर इज और द क्वेश्चन इज कि कौन जो है फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जो इसको जल्दी फॉर्म करेंगे. ठीक है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इसको कॉन्ट्रीब्यूट कर रही हैं जो ये लैटिस एनर्जी जो है ज्यादा रिलीज हो गई है, जो आपका आयनी कंपाउंड है वो जल्दी फॉर्म होगा. तो सबसे पहले फैक्टर है साइज ऑफ आयंस. साइज ऑफ आयंस में जो आपके आयंस है हमने उसका साइज देखना है सबसे पहले. कैटायन, व्हाट अबाउट द साइज ऑफ कैटायन? हाँ जी, क्या लगता है आपको, कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए? यस, कैसे साइजेस होने चाहिए? दे शुड बी स्मॉल इन साइज. ठीक है, अगर ये स्मॉल इन साइज होंगे, देखो अगर साइज छोटा है जो पूरे का पूरा चार्ज है वो सेंटर में होगा, राइट,
इट विल बी लाइंग इन द सेंटर. चार्ज डेंसिटी जो है वो सारी सेंटर में होगी. जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है जो चार्ज डेंसिटी है वो भी स्कैटर्ड होती जाती है. चार्ज डेंसिटी इज अट्रैक्टिंग पावर ऑफ दैट पॉजिटिव या नेगेटिव नेचर वाली जो हम डेंसिटी की बात कर रहे हैं. तो जितना छोटा साइज होगा दोनों का उतनी ही जल्दी जो है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे एंड दे विल बी फॉर्मिंग द लैटिस. ठीक है, जितना छोटा साइज होगा आयंस. द सेकंड फैक्टर इज चार्ज. चार्ज मोर इज द चार्ज मोर इज द लैटिस. ठीक है, जितना ज्यादा चार्ज होगा मोर इज चार्ज. मतलब कहने का क्या मतलब है कि जितना ज्यादा उनका चार्ज होगा उतनी ही जल्दी वो एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे एंड दे विल फॉर्म अ लैटिस एंड इन दिस प्रोसेस लैटिस एनर्जी विल बी रिलीज्ड. ओके, बाकी आप कॉमन कॉमन पढ़ के आते हो दैट दे आर हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. ठीक है, ये फैक्टर्स आप पढ़ के आते हो राइट. फिजिकल स्टेट्स कैसी होती है आयनिक कंपाउंड की वो मैंने आपको बता दिया है. ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, ओके, इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर दे एग्जिस्ट. नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आफ्टर लैटिस एनर्जी ये भी इंपॉर्टेंट चीज होती है जो आप नेक्स्ट में भी पढ़ते हो आगे भी, दैट इज हाइड्रेशन एनर्जी. द नेक्स्ट फैक्टर दैट इज अफेक्टिंग आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन इज द हाइड्रेशन एनर्जी. हाइड्रेशन का मतलब क्या है, दैट मींस वी विल बी टॉकिंग अबाउट वाटर. ठीक है, हम पानी की बात करेंगे. अब हमने क्या करना है, हमने अपने लैटिस को पानी में डालना. दैट मींस व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू पुट NaCl इन वाटर. ओके, अब जब NaCl को हमने पानी में डालना है अगेन द एनर्जी विल बी रिलीज्ड, दैट इज नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी. ठीक है, ये भी रिलीज्ड एनर्जी होती है, हाइड्रेशन एनर्जी होती है. अब जब मैं अपने NaCl के स्ट्रक्चर को या NaCl को पानी में डालूंगी व्हाट विल हैपन, यू ऑल नो इट विल डिसोसिएट इनटू आयंस Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. ठीक है, ये आयंस में डिसोसिएट कर जाएगा राइट. अब होगा क्या, वाटर मॉलिक्यूल्स दे विल बी सराउंडिंग दिस. जो Na पॉजिटिव है उसके आसपास जो OH नेगेटिव आयंस है ना वो सराउंड कर जाएंगे. क्योंकि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव के आसपास नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे और जो क्लोरीन है उसके आसपास H पॉजिटिव आयंस हम सराउंड कर देंगे. अब जितनी जल्दी ये होगा, जितनी जल्दी इन दोनों के बीच में, किन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जो ये अट्रैक्शन फोर्स है वो टूटेगी, उतनी ही जल्दी जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो सराउंड करेंगे एंड मोर विल बी द हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज्ड. ओके, जितनी जल्दी इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो टूटेगी बाय द वाटर मॉलिक्यूल, उतनी ही ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो रिलीज होती है. क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो सराउंड कर जाते हैं ऑपोजिटली चार्ज आयंस को एंड इन दिस वे द आयनिक स्पीशीज दे गिव राइज इन द वाटर. ओके राइट, तो जो एनर्जी रिलीज होगी यहाँ पर हाइड्रेशन एनर्जी ड्यू टू द वाटर, इट विल हेल्प देम टू ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. ओके, तो जो हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होती है वो क्या करती है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन की फोर्स को तोड़ती है ताकि वो आयंस में जल्दी से जल्दी कन्वर्ट हो सके और दे विल बी सराउंडिंग बाय द ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस इन द वाटर. दिस इज नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी. ओके, क्लियर बेटा राइट. तो दिस इज ऑल अबाउट द आयनिक बॉन्ड. आफ्टर द आयनिक बॉन्ड वी विल बी स्टडीइंग अबाउट द कोवलेंट बॉन्ड. कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है राइट. कोवलेंट बॉन्ड में आप लुईस स्ट्रक्चर्स पढ़ के आए हो इन द 10th स्टैंडर्ड. हां जी, आप पढ़ के आए हो ना लुईस स्ट्रक्चर्स. अभी मैंने बनाए भी है काफी, हाइड्रोजन के लिए बनाया है, ऑक्सीजन के लिए बनाया है,
यू कैन फॉर्म दैट फॉर मीथेन आल्सो. मीथेन में क्या है, कार्बन के सारे फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सिक्स नंबर है तो उसकी कॉन्फिगरेशन बन जाती है 2-4, सो इट इज हैविंग फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन. दीज आर नोन एज लुईस स्ट्रक्चर्स, ठीक है, लुईस सिंबल्स बनाते हैं. यहाँ पर अगर मैं चार हाइड्रोजन लगाऊंगी, okay, so in this way the bond sharing will be there, hydrogen mein, okay, so hydrogen ka bhi octet complete ho gaya, carbon ka bhi, dekho hydrogen ke do electrons ho gaye, duplet complete ho gaya hydrogen ka, 1 2 3 4 5 6 7 8, aur carbon ka octet complete ho gaya, theek hai, right. Similarly you can form for nitrogen, जहां पर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होता है. नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड आता है, ट्रिपल बॉन्ड इज फॉर्म. नाइट्रोजन की कॉन्फिगरेशन लिखते हैं, 7 नंबर है, 2 5, ओके, तो 2 5 यानी कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है. तो दो जो है वो अनशेयर्ड है, दो इलेक्ट्रॉन्स अनशेयर्ड है, और तीन जो है वो शेयरिंग में दिए हुए हैं, जिससे क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इस नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, जैसे इस कार्बन का हुआ है यहाँ पे, राइट, जैसे इस कार्बन का हुआ है, हाइड्रोजन का हुआ है, सेम वे नाइट्रोजन नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो गया. Okay, now some of the structures we have to learn now. क्योंकि हम यहाँ पर चार्ज स्पीशीज की भी बात करेंगे. जब भी आपने स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, लुईस स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, तो बहुत सिंपल थे, ठीक है, बट वी विल बी डूइंग फॉर द पॉलीएटॉमिक आयन आल्सो. NO3 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव, सल्फेट का बनाएंगे, फॉस्फेट का बनाएंगे, ये स्ट्रक्चर्स भी हमने बनाने हैं. H2SO4 का स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो ये कॉमन कॉमन से स्ट्रक्चर जो है वो हमने देख लिया. अब स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, हमने सिर्फ एक बात याद रखनी है कि सबका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, अगर हाइड्रोजन है तो उसका डुप्लेट कंप्लीट होना चाहिए, ओके, इस वजह से हमने सारे स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म करने हैं. नाउ इफ आई टॉक अबाउट CO3, ठीक है, तो कार्बोनेट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है. अब मैंने स्ट्रक्चर बना लिया, अब उसके बाद हम देखेंगे कि इसके ऊपर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं. बॉन्ड मैंने लिख लिए सारे, अब ये ऑक्सीजन को देखो, 1 2 3 4, इसने 4 इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड बनाया हुआ है, यानी कि 4 इसके पास क्या होंगे, फ्री होंगे. कार्बन का देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन का पूरा ऑक्टेट कंप्लीट है, राइट. ऑक्सीजन की बात करें, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है. सिमिलरली फॉर दिस ऑक्सीजन, 2 बनाए हुए हैं इसमें, 6 और बनाने हैं. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन, ठीक है जी. तो इस तरह हमने स्ट्रक्चर बना लिया. सिमिलरली फॉर द ओजोन, O3 का स्ट्रक्चर है, वो भी ऐसे ही बनेगा. So this is the structure of ozone. Again complete कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके 6 electrons हैं. So this is the structure of ozone. ठीक है? Ozone का ऐसा structure होता है. Right? So you will be discussing now. राइट, आपने इन स्ट्रक्चर्स को आप देख लेना है घर पे, एक दो स्ट्रक्चर्स जो हैं, ओके, इनको ट्राई करना है कि ये स्ट्रक्चर्स जो हैं वो कैसे बन रहे हैं, राइट, ओके. सो टुमारो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द फॉर्मल चार्ज दैट इज लिंक विद दिस स्ट्रक्चर. तो हम ये स्ट्रक्चर्स बनाएंगे सबसे पहले, फिर हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके. तो आपने ये स्ट्रक्चर्स जो हैं वो घर पर ट्राई कर लेने हैं, राइट. आई एम गोइंग टू एंड द मीटिंग नाउ.